कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए। ए मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। क्या वाकई ये देश शहीदों की कुर्बानी को हमेशा हमेशा याद रखता है? आपको शायद याद भी ना हो कि इस साल कारगिल की लड़ाई को 10 साल पूरे हो रहे हैं। क्या आप और हम आज भी उन नौजवानों को याद रखते हैं जिन्होंने सरहद पर गोली खाई ताकि आप और हम चैन की नींद सो सके? क्या आज भी हमें ये ख्याल आता है कि कैसे जी रही होगी वो माँ जिसके जवान बेटे ने हमारी जाने बचाने के लिए अपनी जान दे दी? किस हाल में होगा वो बच्चा जिसका पिता देश के लिए शहीद हो गया? जिंदगी लाइव में आज हम न सिर्फ कारगिल के शहीदों को याद करना चाहते हैं, बल्कि मिलना चाहते हैं उस माँ से जिसके लाडले ने, उस पिता से जिसके जिगर के टुकड़े ने बहादुरी के साथ सीने पर गोलियां खाकर इस देश के लिए अपनी जान दे दी। साल 1999, कारगिल युद्ध छिड़ चुका था। 17 जाट रेजिमेंट के कैप्टन अनुज नैयर। 6 जुलाई 1999 को अनुज को जिम्मा दिया गया टाइगर हिल के आसपास की पहाड़ियों को घुसपैठियों से खाली कराने का। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। टाइगर हिल पर पाकिस्तानियों के होने का मतलब था कि हमारा नेशनल हाईवे और आर्मी सप्लाई कैंप्स सीधे दुश्मन के निशाने पर थे। अनुज को देश का सम्मान वापस लाना था। सुबह होने से पहले ही अनुज के कमांड में उनकी टुकड़ी ने दुश्मनों के 3 बंकर तबाह कर दिए। लेकिन फिर सुबह होने लगी, दुश्मन ऊंचाई पर थे। वो अनुज की टुकड़ी को देख सकते थे लेकिन भारतीय सिपाहियों की नजर से वो छुपे हुए थे। कैप्टन अनुज फिर भी नहीं डरे, वो आगे बढ़ते गए और चौथे बंकर तक पहुंचने ही वाले थे कि छुपे हुए दुश्मनों की गोली का निशाना बन गए। एक बेटा जाते जाते भी पिता की हर बात मानते गया। पिता ने कहा था पीठ दिखाकर मत भागना, बेटे ने सामने से गोली खाई। पिता ने कहा था प्रिजनर ऑफ वॉर मत बनना, बेटा आखिरी दम तक लड़ता रहा। पिता ने कहा था कि मुझे एक शहीद का पिता कहलाना मंजूर है बजाय एक भगोड़े का, और बेटा शहीद हो गया। प्रोफेसर नैयर, ये 3 बातें आप अपने बेटे से कही थी? यस, बिफोर द अटैक ही रैंग अप एंड ही सेड द फाइनल बैटल इज ऑन and you'll be proud I'm commanding this attack. He used to call me Poppin. Poppin, kuch kehna hai? Then I said these 3 words. And he said, ab apne bete ko jante nahi ho. मैं भी आपका बेटा हूं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। दैट वाज द लास्ट आई टॉक्ड टू हिम। नेक्स्ट मॉर्निंग द टेलीफोन रैंग अप। द गाय सेड आई एम फ्रॉम ब्रिगेड हेडक्वार्टर एंड आई हैव अ न्यूज for you. I said, what is it? He said, Anuj is no more. I only asked him one question. Did he die fighting? He said he made history for the Jat regiment. And then our life took total U-turn. We were not what we were.
and what we are, we never wanted to be what we are. And then to live with insensitive society, it's a miracle that I'm living. आज लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, एक पिता होने के नाते, एक शहीद के पिता होने के नाते फक्र है, उसके साथ साथ क्या कहीं गुस्सा भी है, दुख भी है? No. Up to Anuj, nothing. उसने अपनी ड्यूटी की, इज्जत के साथ ड्यूटी की. आपको शायद पता नहीं होगा, ये पेट्रोल पंप मैं नहीं लेना चाहता था. क्या करना पेट्रोल पंप को? घर में सब कुछ है. आई थिंक जनरल हु वाज इन चार्ज दैट टाइम घर आए थे, तो उन्होंने कहा था, ये पेट्रोल पंप आपको कौन दे रहा है? हम तो अनुज को दे रहे हैं. यू टेक केयर ऑफ अनुज पंप. लेकिन इसको मिलने में, उस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. लोगों का बर्ताव बहुत खराब. परेशानी बहुत सॉफ्ट वर्ड है. Nightmares. Nightmares. Humiliation. Total. Character assassination कहना चाहिए. One of the police person. आप अनुज के पिता हैं. क्या प्रमाण है आपके पास? मन ने बताओ तू अनुज का फादर से, तब मैं तेरे को एनओसी देता हूं. ये लैंग्वेज थी उसकी. मैं डर गया. एल्बम खोली, तीन फोटो दिखाई उसको. ये अनुज मेरी गोदी में है, दो घंटे बाद, पैदा होने के दो घंटे बाद. ये अनुज है, ये इसके फूल लग रहे हैं. आइए मैं अनुज है जिसको मैं कंधे पे बिठा के ले जा रहा हूं. इसके अलावा कोई प्रूफ चाहिए तो मैं अपनी वाइफ को ले आता हूं. तो मदर कैन ओनली से ये मेरा बेटा है कि नहीं. दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड. क्यों हुआ ये? क्योंकि वो समझती हैं कि हमको बहुत बड़ा बिजनेस दे दिया, उस बिजनेस से हम करोड़ों कमाएंगे, उसका कुछ हिस्सा उसको चाहिए. दिल्ली विद्युत बोर्ड रिफ्यूज टोटली, जब तक आप 5 लाख रुपया नहीं दोगे हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे. 4.5 लाख अपनी जेब से खर्चा मैंने, जनरेटर लगा दिया मैंने. 1 साल जनरेटर पे मैंने पेट्रोल पंप चलाया. जब हमारे सब खत्म हो गया अंदर से, देन वी सेड ओके, बंद करो, प्रेसिडेंट को जाके चाबियां पकड़ाओ, थैंक यू वेरी मच. हमारे पास जो था हमने लगा दिया, नहीं चाहिए हमको. अनदर कारगिल आई एम फाइटिंग विद द ब्यूरोक्रेसी. लेकिन कम दुख तो आम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने भी नहीं दिया. पेट्रोल पंप पर लोग आके बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं आपके साथ. एक पेट्रोल पंप वाला है दिल्ली में, उसको किंग ऑफ पेट्रोल कहा जाता है. पेट्रोल पंप, उन भाई साहब को मेरा पंप बहुत पसंद है. जब लेटर ऑफ इंटेंट मिला था तो कहते थे 50,000 ले लो, पंप दे दो. जब बन गया 1 लाख पे आ गया, 2 लाख भी आ गए. हमने कहा एक काम करो, अपने बेटे को लाओ, खड़ा करो मेरे बेटे के स्टोर के सामने, गोली मार दो. मैं हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा, तेरे को पेट्रोल पंप फ्री में दे दूंगा. दिस इज व्हाट पीपल थिंक. दे डोंट थिंक अ पर्सन एट 65 इज वर्किंग to keep the image of Kargil flying. Whenever you come there, I am there.
You people sleep. At 1 o'clock in the night, I am at the pump. 7 o'clock morning, I am at the pump. For me, it is not a pump. Puja hai meri. Meri duty hai ye. Main karta hun. People don't think. It is public. Dhai inch ki zuban bahut chalti hai unki. Jo muh mein aata hai, bad bolte jaate hain. Kyunki wo public hai. Bardasht karta hun main bhi. बिल्कुल, यहाँ हम आप सबको बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर नैयर के लिए करगिल हाइट सिर्फ एक पेट्रोल पंप नहीं, उनका अपना बेटा है। वो उसे एक पिता की तरह संभालते हैं। अनुज के जन्मदिन और उसकी शहादत के दिन पर वो पंप को फूलों से सजाते हैं। और हम में से जो लोग एक पिता की इन भावनाओं को अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम इनका अपमान करने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। और शायद समाज के इसी रवैये की वजह से एक शहीद की माँ हम सबसे इतनी नाराज है कि वो उसके बारे में किसी से बात करना तक पसंद नहीं करती। वो आज शो पर भी नहीं आई क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो आपसे, हमसे, हम सबसे निराश हो चुकी हैं। हमारे पास आज सिर्फ उनका एक संदेश है। हमने उसको जन्म दिया, उसने क्या, कितना उसने गो थ्रू किया वहां पर, वी डोंट नो। हमें तो वही पता जो लोगों ने बताया। अनुज को याद करना और वो मेरे लिए आज भी वही दिन है। ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक जो कॉर्नर है वो उसका फिक्स है, उसमें से ना वो कभी जाएगा ना जा सकता है। स्टिल आई एम वेटिंग के हमारी जो लास्ट मोमेंट्स होंगी उसमें भी वही होगा, वो कभी नहीं जाएगा। और मैं चाहती भी नहीं कि वो जाए, क्यों जाए। हमने उसको जन्म दिया है, उसने क्या, कितना उसने गो थ्रू किया वहां पर, वी डोंट नो। हमें तो वही पता जो लोगों ने बताया, उसने भुगता है। आई थिंक व्हाई ही गेव यू दिस इंटरव्यू, आई डोंट नो। शी हैज नेवर गिवन एनी इंटरव्यू टू एनीबॉडी। वो जज्बात अपने दिल के अंदर रखती है। वो कहती है अनुज इधर है, मेरे को किसी को दिखाना नहीं है। She is angry with you. Yes. You know, अनुज got selected in 3 professions: fashion technology, NIFT, hotel management, and NDA. And she tried her best that I should persuade him to go for hotel management. I said no. The decision Anuj ko lena. He took the decision. Abhi bhi wo karti hai. Agar main chahta, to Anuj hamare paas hota. But I have never regretted. His attitude, his mental setup, his character was of a soldier. When he went to JNK, he was down with jaundice. He chata admit ho jata. Nahi kiya. Wo jo aakhri aapki baat cheet hui thi, usko lekar bhi kya Anuj ki maa aap se naraaz hai? Ki aapne ye sab kyun kaha tha? Kabhi wo kehti hai? Magar mere ko isme kuch galat nahi lagta. अगर अनुज कैप्चर हो जाता, ये कब की मर गई होती, उसे मैं भी मर गया होता। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये पता लगता है ये भाग के आ गया वहां से। मैंने कहा घर माता ना, लड़ाई से भागोगे और कहीं चले जाना। एक बार किसी ने पूछा था कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वन ऑफ द मिनिस्टर, मेरा जवाब था उसको, जब मैं मरूं और अपने बेटे से मिलूं, सिर ऊंचा करके मिलूं। मैं मॉर्निंग जाता हूं, मैं बेटे के स्टोर के सामने खड़ा होता हूं, आई से सनी आई एम ऑन ड्यूटी। रात को 1 बजे जाता हूं, अगेन आई गो टू हिम, आई से सनी आई एम गोइंग होम, टेक केयर। तो वहां पर
ना गलत काम होने दूंगा, ना किसी को गंदगी पिलाने दूंगा। वाकई हम सबके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती कि हम एक शहीद के परिवार का किसी भी तरह से दिल दुखाएं। मरना एक दिन हम सबको है, लेकिन वो बिरले ही होते हैं जो जानते बूझते सीने पर दुश्मन की गोली खाते हैं। और जो लोग एक शहीद को सम्मान नहीं दे सकते, वो अपने देश को क्या सम्मान देंगे। और फख्र है हमें ऐसे माता पिता पर जो खुशी खुशी अपने लाड़नों को भेज देते हैं युद्ध के मैदान में, ताकि ये देश, हम और आप सुरक्षित रह सकें। कितने ही पेट्रोल पंप्स, गैस एजेंसियां या लाखों रुपए, कुछ भी उस शहीद की जान की कीमत नहीं चुका सकता। या तो मैं जो है दुश्मनों के मोर्चे पर अपना झंडा फहरा करके आऊंगा, या फिर झंडे में लिपट करके वापस आऊंगा। सबसे बड़ी बात, उन्होंने भी जो यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है। और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले, और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो भी बन सकता होगा, विल डेफिनेटली डू दैट फॉर देम। दूसरे शहीदों के परिवारों का साथ देने वाला ये बहादुर सिपाही शायद जानता भी नहीं था कि जल्द ही देश उसकी भी शहादत मांगेगा। और उसे डर भी कहां था, फर्ज के लिए मर मिटने को तैयार था वो। 13 JNK राइफल्स के इस 24 साल के कैप्टन को जब .5140 पर कब्जे के लिए भेजा गया, तो बस एक ही चीज थी जो विक्रम बत्रा के दिमाग में थी, वो थी अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करना। इतनी ऊंचाई पर कब और कहां से दुश्मन की गोली चीरती हुई निकल जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन विक्रम ने अपनी समझ बूझ से सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए .5140 पर कब्जा कर लिया। अगला टारगेट था .4875। 7 जुलाई 1999 को अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए विक्रम ने 4 घुसपैठियों को मार गिराया, लेकिन वहीं विक्रम का एक बहादुर साथी भी घायल हो गया। विक्रम उनको बचाने की कोशिश करने लगे, और इसी कोशिश में एक गोली उनके सीने में सीधे आकर लगी। दोस्तों यारों के बीच शेरशाह कहलाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा एक अच्छे सैनिक का फर्ज अदा करते करते शहीद हो गए। आप लोगों के लिए भी विक्रम की आखिरी यादें शायद उनके इन इंटरव्यूज में ही छुपी हुई हैं। उनकी यादें तो हमारे दिल में बसी हुई हैं एट एवरी मोमेंट, हर समय। ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है जब वो हमारे दिल से बाहर हों, समा चुके हैं हमारी बॉडी। आइए आज हम दुनिया को विक्रम की कही कुछ और बातें याद दिलाते हैं। I was challenged by a Pakistani soldier on the radio net that don't try to come up, otherwise you'll have a tough time. And it was replied from my side that it'll be proved in another an hour or so that is going to have a tough time. And we were able to capture a lot of arms and ammunition, which you can see in front of your eyes. And after the area was being searched, the success signal was given to our commanding officer, Colonel Joshi, who yaya, and ye dil mange mor. Vikram ka ye kehna, ye dil mange mor. Us waqt bahut zyada baat ki gayi thi Vikram ke is jazbe ke bare mein, spirit ke bare mein. He was very highly ambitious. He wanted to, जिसको कहते हैं आसमान के सितारे भी तोड़ करके ले आऊंगा। विशाल, आप twin brothers हैं। I think सबसे ज़्यादा attached अगर विक्रम किसी से होंगे तो वो आप ही से। Oh yes. Were you the best of friends? Yes. आपके पास भी उनका आखिरी खत है जी, जो उन्होंने आपको लिखा था। जी। क्या हम सुन सकते हैं? Yeah, sure. What he wrote to you? See, our nicknames were Love and Kush. He was Love and I am Kush. So he wrote, "Dear Kushu, sweet love and hi there. Received your affectionate letter yesterday only. I am sitting at a very high altitude and ready for my task. And I might go up today in the evening, as two companies are already up and are engaged in a heavy exchange of fire. Arey yaar, don't take tensions and keep doing your bit faithfully. And sincerely and definitely God is looking at everyone and he'll definitely reward one day. And you've got all the potential to do anything in life and I'm sure you'll do very well in your career. Take the life in stride. Rest, everything is fine at this end
lots of love and take care and God bless. एक यंग ऑफिसर जो लड़ाई के मैदान में है वो आपसे कह रहा है कि टेंशन मत लो. That shows how brave he was. He was a great soul. It's a great man, great soul. और विक्रम जब आखिरी बार छुट्टी पर घर आए थे तब उन्होंने अपने एक दोस्त से ऐसी बात कही थी जो उनके जाने के बाद आप लोगों को पता चली थी. हाँ जी, वो वहाँ पर पालमपुर में उनके एक फ्रेंड थे स्कूल टाइम के. डिसाइड कि भाई विकी अब जरा आप संभल कर रहना, वो सुना है वार स्टार्ट हो गई है कारगिल में. तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अमित डोंट वरी, या तो मैं जो है दुश्मनों के मोर्चे पर अपना झंडा फहरा करके आऊँगा या फिर झंडे में लिपट करके वापस आऊँगा. सो ये बाद में उसने जिक्र किया हमें और हमें लगा कि वो उन्होंने तो अपनी ये दोनों ही बातें करके दिखा दी. तिरंगा फहरा कर भी आए. हाँ, फहरा करके भी आए, लिपट कर भी आए. वाकई देश के लिए ऐसा प्यार, तिरंगे के लिए ऐसी दीवानगी बिरले ही दिखा पाते हैं. और ऐसे सच्चे देश प्रेमियों को जिंदगी लाइफ का शत शत नमन. कर्नल थापर ने भी उसको कहा कि तुमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए. कहते छोड़ो छोड़ो मामा, अभी वो गोली नहीं बनी जो मुझे लगनी है. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I will join the army and fight for my nation. ये बात एक बहादुर बेटा ही लिख सकता है. ये बात लिखी थी लेफ्टिनेंट विजयंत थापर ने अपनी मौत से ठीक पहले. इस खत को पढ़कर साफ समझ आता है कि विजयंत जानते थे कि उनकी जान खतरे में है, लेकिन 22 साल का ये नौजवान डरा नहीं. उसने अपने देश पर मर मिटने की कसम जो खा ली थी, वो था भी तो एक बहादुर सैनिक पिता का बहादुर बेटा. करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना की तोलोलिंग नामक खतरनाक पहाड़ी पर विजय ने लड़ाई का रुख ही बदल दिया. और ये विजय हमें दिलाई थी विजयंत और उनके साथियों ने. तोलोलिंग पर विजय के बाद विजयंत और उनकी टुकड़ी का अगला निशाना था कुनौल. रॉकेट्स और मशीन गनों की गोलियों के बीच से गुजरते हुए कुनौल को फतह करने से सिर्फ 15 मीटर दूर अचानक लेफ्टिनेंट विजयंत थापर पर दुश्मन ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया. लेकिन विजयंत रुके नहीं, वो आखिरी सांस तक आगे बढ़ते रहे. लेकिन आखिर में माथे पर एक गोली लगी और इस बहादुर सिपाही ने वहीं अपने साथी की गोद में दम तोड़ दिया. आज हम सबसे पहले विजयंत का वो आखिरी खत आप सबके लिए पढ़ना चाहते हैं. डियरेस्ट पापा, ममा, बर्डी एंड ग्रैनी, By the time you get this letter, I'll be observing you all from the sky, enjoying the hospitality of Apsaras. I have no regrets. In fact, even if I become a human again, I'll join the army and fight for my nation. If you can, please come and see where the Indian Army fought for your tomorrow. Contribute some money to orphanage and keep on giving 50 rupees to Ruksana per month and meet Yogi Baba. Best of luck to Birdie. Never forget the sacrifice of these men. Papa, you should feel proud. Mama, so should you. Best of luck to you all. Live life king size. Yours, Robin. विजयंत के माता पिता आज हमारे साथ हैं. कर्नल थापर, ये आखिरी चिट्ठी आपको कब मिली थी? ये आखिरी चिट्ठी उन्होंने लिखी तो जंग के मैदान में थी, कोई 2-4 घंटे लड़ाई से पहले. और ये उन्होंने अपने दोस्त एक कैप्टन तोमर थे जो उनके साथ लड़ाई में थे, उनको सौंप दी थी कि अगर मैं इस लड़ाई से वापस ना आ सका तो मेरे माता पिता को ये चिट्ठी पहुंचा दी जाए. इस खत को पढ़कर ऐसा क्यों लगता है कि विजयंत जानते थे कि वो नहीं बचेंगे? असल में मैं वहां पे गया हूं और वो एक ऐसी भयानक जगह है जिसको देख के ही आदमी का घबराहट हो जाती है कि इस जगह पे किस तरह से ऊपर चढ़ेंगे, किस तरह से हमला करेंगे. भारी बोझ साथ में लेके जाना है और पाकिस्तान जो अप्रोच है, जो जाने का रास्ता है, वो इतना कम है, नैरो है और दोनों साइड पे बहुत गहरी खाइयां हैं. तो इसलिए और वो उसको पूरा मशीन गन्स के साथ उन्होंने कवर किया हुआ था, इसलिए
बहुत ज्यादा चांस था कि आदमी ना बच सके उस लड़ाई में। आपको अपनी आखिरी बातचीत तो याद होगी, क्या कहा था आपने? पहले तो मुझे पता ही नहीं लगा कि फर्स्ट अटैक उन्होंने कर लिया तोलोलिंग पे। वो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि ऐसे टू राजीव के जो जवान थे और ऑफिसर्स थे वो हम उन्होंने ये विक्ट्री हासिल की है। और उसमें एक ऐसा लेफ्टिनेंट था जो लड़ाई के लिए ऊपर जा रहा था अपनी प्लाटून के साथ, एंड वो जो है वो बॉर्डर की पिक्चर का गाना गाता हुआ जा रहा था जो संदेश ये आते हैं। उसका फेवरेट गाना था, फेवरेट गाना था। उसने बॉर्डर पिक्चर भी 16 बार देखी थी। उसके बाद उसकी मुझसे बात हुई कोई 16 जून को। उसने कहा कि मामा 20 दिन तक मेरी कोई वेट मत करना कॉल आने की, क्योंकि मुझे एक और अभी टास्क दे दिया है। तो मैंने कहा क्या टास्क दिया है? तो कहता नहीं वो मैं आपको नहीं बता सकता, और अभी तो छुट्टी भी बंद होगी, तो छुट्टी में अब जो है सितंबर अक्टूबर में होगा। तो बस यही लास्ट बात हुई थी। एक आर्मी ऑफिसर पिता तो अपना दिल कड़ा कर सकता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। आपको तो उस वक्त बहुत दिन मुश्किल से कट रहे होंगे जब वो नहीं। मुझे यही डर लगता था कि अभी एक अटैक उन्होंने कर लिया है, और मतलब मैं प्रिज्यूम कर सकती थी कि जो इसने बोला कि अगले 20 दिन मैं फोन नहीं करूंगा, इसका मतलब कोई दूसरा अटैक करने हो जाएगा, और वही हुआ। आप खुद ही अनुमान लगा सकती हैं, उस रात को जो हमलावर ट्रूप्स थे उनमें से 3 ऑफिसर तो शहीद हो गए, 3 अफसर घायल हुए, 50 जवानों को गोलियां लगी। तो वो एक बेमिसाल बहादुरी का हमला था। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। और जो पहली चीज उसने लिखी है, बाय द टाइम यू गेट दिस लेटर आई विल बी ऑब्जर्विंग यू ऑल फ्रॉम द स्काई एंजॉयिंग द हॉस्पिटैलिटी ऑफ अप्सराज। और लास्ट में जो लिखा है, लिव लाइफ किंग साइज, एक बहुत ही क्या कहना चाहिए, मेरे पास शायद शब्द नहीं है, दिलदार इंसान थे विजयन, बहादुर, और किसी चीज को लेकर कोई डर नहीं। नहीं नहीं, वो डर वो तो उसके ऑफिसर्स ने बोला है, जवान्स ने वो बोला है कि हम उनको कहते थे कि साहब आप इतना बोल्ड होके मतलब आगे मत जाइए, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। उसमें इतना जोश था, और जो उसका जो फ्रेंड था सौरभ कालिया, जिस जो सबसे पहले सौरभ कालिया खत्म हुआ था, तो उसने हमेशा यही कहा कि मुझे सौरभ कालिया का बदला लेना है, क्योंकि सौरभ कालिया जब पाकिस्तान से उन्होंने भेजा था तो उसके जो है सबको पता है कि उसका जो बॉडी आई थी वो पार्ट्स में आई थी। तो वो बस उसने अपनी डायरी में भी लिखा है कि मुझे सौरभ कालिया का बदला जरूर लेना इनसे। और इस अटैक से पहले कुपवाड़ा में उनके ऊपर बुलेट्स फायर हुए थे, उस वक्त बहुत डर गए थे आप लोग, क्या हुआ था? एक बहुत बड़ा वहाँ पे उनका टेररिस्ट के साथ ही मुठभेड़ हुई थी, तो उसमें जो है उसमें भी उसने अपने सीनियर ऑफिसर मेजर आचार्य को बचाने के लिए वो आगे गया, और उसने मेजर आचार्य को बचाया। और फिर उसने 2 दिन के बाद मुझे फोन पे बोला कि कल मैं मामा 32 गोलियों मेरे ऊपर चली, पर देखो मैं 32 गोलियों से बच के आ गया। तो कर्नल थापर ने भी उसको कहा कि तुमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। कहते छोड़ो छोड़ो मामा, अभी वो गोली नहीं बनी जो मुझे लगनी है। बचपन से ही ऐसा था? वो एक फायरी नेशनलिस्ट था, फायरी बिल्कुल। उसके लिए भारतवर्ष से बड़ी कोई चीज नहीं थी। उसकी टी शर्ट है, उसके ऊपर भी उसने भारत का झंडा लगाया हुआ था। कई कई यंगस्टर्स हैं वो इंग्लैंड का वो पहन लेते हैं, यूएसए का पहन लेते हैं, कनाडा का पहन लेते हैं। उसको उस पर बहुत गुस्सा आता था कि अपने देश का क्यों नहीं पहनते। और खुद उसने अपने बना रखी थी, अपने बैग पे लिखा हुआ था मेरा भारत महान। आपने विजन की सारी चीजें वैसे की वैसे संभाल कर रखी हुई है जैसे वो छोड़ कर गए थे? वो हमने वैसे ही रखी कि उनको बंद करके हमको अच्छा नहीं लगता। इवन जो जहाँ पे कर्नल थापर 99 में ही गए, उसके बाद ऊपर गए जहाँ पे वो वेरी फेल फाइटिंग, वहाँ पे जो कम से कम 1000 बुलेट्स नीचे गिरे होते थे, हजारों, तो उन्होंने उसमें से 2 बुलेट उठा के भी लाए जस्ट टू सी। जो भी उनको कोई देखेगा सोच नहीं सकते कि ये उसके फोरहेड पे लगा है। गुस्सा भी आता है कभी आपको? गुस्सा तो आता ही है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसका बेटा 22 साल का बेटा। कोई नहीं सोच सकता कि 22 साल का बेटा आपको छोड़ के चला जाए। और सबसे बुरा मुझे वो लगता है, उसके फ्रेंड ने बताया था कि जब अटैक के लिए जा रहे थे तो
दो दिन से तो खाना नहीं खाया था, तो फिर उसने लास्ट में 5 बजे के करीब उन्होंने 7:30 अटैक स्टार्ट हुआ 28 जून को, तो 5:30 बजे उसने बोला फोन करके नीचे के, अच्छा भाई आज खाने में क्या बन रहा है, खाना हमको पहुंचेगा ऊपर या नहीं? तो उन्हें जो आदमी खाना लाता था तो कहता साहब खाना ऊपर पहुंचाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको पता इतनी फायरिंग हो रही है, तो वो कहता अरे भेज दो आज, क्या पता कल तुम्हारे हाथ का खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा और खाना पहुंच जाएगा। उस समय जो हमले के लिए जाते हैं यंग आदमी, उनके दिल में खाने वगैरह की इतनी वो नहीं होती है, उनके सामने तो एक जो उनको दे दिया गया है उद्देश्य, उसको पहाड़ को पकड़ना है, बस उतना ही है। खाना आ गया ठीक है, नहीं आया तो शक्करपारे वगैरह होते हैं अपने पास, वो खा लेते हैं और चले जाते हैं लड़ाई के। हम बस यही सोचते हैं कि जो भी हमसे होगा हम इस बच्चे के लिए करेंगे, लेकिन उस बच्चे को मिलना बड़ा मुश्किल है। We are thankful to you. Contribute some money to orphanage and keep on giving rupees 50 to Rukhsana per month and meet Yogi Baba. एक और खास बात जिसका जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है, रुखसाना। हाँ। जब वो कुपवाड़ा में था तो एक छोटी सी लड़की थी मुस्लिम गर्ल रुखसाना, रुखसाना के सामने उसके फादर को टेररिस्ट ने मारा था, तो रुखसाना जो बिल्कुल अपनी स्पीच खत्म कर चुकी, मतलब वो बोल नहीं सकती थी एकदम, वो बोलना उसका बंद हो गया था। तो जब इनकी बटालियन उधर पहुंची टू राजरिफ, तो रॉबिन ने देखा कि ये बच्चा जो है स्कूल में लड़की आती है और लेकिन बोल नहीं सकती, लेकिन उसने अपने प्यार, 6 साल की थी, वो 6 साल की थी वो रुखसाना, उसने रॉबिन ने अपने प्यार से उसको इतना कर दिया कि जब तक विजयंत कारगिल गया तब तक उस लड़की ने बोलना शुरू कर दिया। तो तभी उसने लिखा है कि, और बहुत गरीब है मतलब रुखसाना, तो उसमें इसलिए उसने लिखा है कि इसको हर महीने 50 रुपये जरूर देना, तो हम जो है जो वो बोल गया है उससे ज़्यादा ही करते हैं। आप मिले हैं रुखसाना से? नहीं, हम मिले नहीं है रुखसाना से क्योंकि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है, वहाँ आप जा नहीं सकते। मिलना चाहेंगे कभी? जरूर मिलना, जरूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। आज आपसे कोई मिलने आया है? आपने हमारे दिल की तमन्ना पूरी कर दी है। आप मिलना चाहते थे रुखसाना? बहुत, बिल्कुल बहुत, क्योंकि मैंने तो बताया ना कि उधर जाना ही हमारे लिए इतना मुश्किल है, पूरा वो जगह टेरिस से घिरी हुई है सब कुछ, ये तो वहाँ तो बहुत मुश्किल था। विजयंत बहुत प्यार करते थे उससे। बहुत बहुत। रुखसाना तुम कुछ कहना चाहती हो विजयंत के बारे में? मेरा नाम है रुखसाना, जब मेरा पापा शहीद हुआ तो मुझे कैप्टन आकर ने मुझे कपड़े दी और पढ़ाई की पैसे दी, वो हमें बहुत प्यार करते थे। जब वो कारगिल में शहीद हुआ मुझे बहुत दुख हुआ, वो हमें बहुत प्यार करते थे। हमारे दिल में बहुत ज्यादा था कि किसी तरह से जाके मिले। जैसे कि विजयंत ने लिखा है कि I'll be observing you all from the sky. I think आज वो बहुत खुश होंगे कि बहुत खुश होंगे रुखसाना से मिलने के, रुखसाना यहाँ पे आ गए, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। हम कभी नहीं सोच, कभी नहीं सोच सकते थे। हम बस यही सोचते कि जो भी हमसे होगा हम इस बच्चे के लिए करेंगे, लेकिन उस बच्चे को मिलना बड़ा मुश्किल है। We are thankful to you. आखिर में जो विजयंत ने एक बात लिखी है, पापा यू शुड फील प्राउड ऑफ मी, मामा सो शुड यू। आई थिंक नीडलेस टू से आप दोनों बहुत फख्र होगा। देखिए जी, हम क्या कहें कि आमतौर पे बच्चे पहचाने जाते हैं अपने फादर के नाम से, लेकिन हम पहचाने जाते हैं अपने पुत्र के नाम से, तो इसलिए हमें बहुत गर्व है उसके कारनामे में। छोटी छोटी जिंदगी रही लेकिन कामयाब जिंदगी रही, बहुत देश के लिए उसने अच्छा काम किया। और मैं आगे यही आशा करूंगी कि विजयंत से मोटिवेट होके जो है आज की जो यूथ है, आज के जो जवान हैं, वो उससे मोटिवेट होके उनको भी नेशन के बारे में उतना ही सोचना चाहिए।
और सिर्फ विजयंत थापर के माता पिता को ही नहीं, हम सबको, इस देश के हर इंसान को विजयंत पर फख्र है और होना भी चाहिए। ये देश कभी उस नौजवान की शहादत को भूल नहीं सकता जिसने 22 साल की छोटी सी उम्र में ये लिख दिया हो कि वो हर जन्म में देश के लिए लड़ना चाहता है। देश के हर बच्चे के लिए विजयंत एक मिसाल है और आज विजयंत को जिंदगी लाइफ का सलाम। या तो जीत के आए या जान दे के आए, क्योंकि दुश्मन के हाथ में नहीं जाना। कैप्टन हनीफुद्दीन देश का एक ऐसा वीर जो आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ा और अपनी मौत में भी वो अपने 33 साथियों को जिंदगी का तोहफा दे गया। 6 जून 1999 को करगिल युद्ध के दौरान हनीफ को तुर्तुक सब सेक्टर में घुसपैठियों पर धावा बोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। करगिल, बटालिक और तुर्तुक, इन तीन क्षेत्रों पर दुश्मन ने गहरी चाल चलकर हिंदुस्तान की सरजमी पर चौतरफा हमला बोला था। दुश्मन के पास कितनी ताकत है और वो कब कहां से हमला कर देगा, इसका कोई अता पता नहीं था। और उससे भी खतरनाक थे पथरीले रास्ते और बर्फीली हवाएं, जो किसी भी शख्स को मौत से रूबरू करा देने के लिए काफी थी। लेकिन फिर वो पल आया जब मौत सामने खड़ी थी। दुश्मन की गोलियां सभी को मौत की घाट उतार सकती थी, लेकिन हनीफ दुश्मनों को मारने आए थे, अपनी टुकड़ी को मरवाने नहीं। उन्होंने साथियों को सुरक्षित जगह पर छुपने का आदेश दिया। जब तक बाकी सैनिक छुपते, कैप्टन हनीफुद्दीन अकेले ही दुश्मनों पर गोलियां बरसाते रहे। एक अकेला सिपाही आखिरी सांस तक दुश्मनों का मुकाबला करता रहा। हनीफुद्दीन की मां को बेटे का शव देखने के लिए 40 दिन से ज्यादा का इंतजार करना पड़ा था। करीब 42 दिन बाद हनीफ का शव आपको मिला था जी, लेकिन उस दौरान भी आपने कोई जिद नहीं की, कोई शिकायत नहीं की कि जल्द से जल्द मेरे बेटे का शव मुझ तक लाया जाए। क्यों? जब खबर मिली थी उससे पहले ही पता था कि फौज में जाना, इसमें सबसे पहले जो प्रण लेते हैं देश सबसे पहले आता है। तो जिसने अगर सच्चे दिल से अगर प्रण लिया है कि देश के लिए जान दूंगा सबसे पहले अगर जरूरत पड़े, तो वो उसने अपनी ड्यूटी की है। लेकिन हमने जिद इसलिए नहीं की कि जैसे मेरा बेटा था ऐसे और भी परिवार के बच्चे वहाँ थे। अगर हम जिद करते कि जो चले गए उनके लिए, जो हमें कहा जा रहा है, तो जो और वहाँ काम कर रहे हैं उनके परिवार पे क्या बीतेगा, हम वो नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और कैप्टन हनीफ की कहानी तो पर तो वैसे भी शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो इस देश में सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। ये हर वक्त हम लोगों के जहन में होना चाहिए कि जब एक सैनिक सरहद पर लड़ने जाता है तो वो ये नहीं याद रखता कि वो किस धर्म का है, वो किस सिर्फ पार्टी का है। जैसे विजय दिवस मनाया गया, हम कई बार सोचते हैं कि एक साल मनाया जाता है एक साल नहीं मनाया जाता है, ये क्या कोई पार्टी की जीत है या कोई व्यक्ति की जीत है। ये हम मानते हैं कि कारगिल जरूर आर्मी की जीत थी। 7 साल की उम्र से आप अकेले ही पाल रही हैं। 7 साल के थे हनीफ जब? हनीफ 8 साल का था, हनीफ के बड़े भाई 10 साल का था और छोटा भाई 4 साल का था। उनकी डेथ हुई थी अचानक, तो फिर मेरे लिए नौकरी करना एक जरूरत हो गई कि बच्चों को मुझे देखना है। तो बच्चे भी जानते हैं कि अपना जो काम है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है लाइफ में, अगर आप जॉब करते हैं तो। यही जज्बा हनीफ में बिल्कुल था, वो बहुत जिम्मेदार था बचपन से ही। तो एक फेथ इंसान के लिए बहुत जरूरी है, भरोसा, और वो हनीफ के अंदर बहुत था कि अगर हम अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। बार बार फिर उसकी बात याद आती है कि कभी कहता था कि या तो जीत के आए या जान दे के आए, क्योंकि दुश्मन के हाथ में नहीं जाना है। हनीफ की शहादत के बाद सरकार ने आपको पेट्रोल पंप देने की बात की थी जी, लेकिन आपने नहीं लिया जी। क्यों? उसकी जरूरत नहीं महसूस हुई मुझे। इन लोगों ने कहा होगा ये क्या कर रही हो पेट्रोल पंप? हाँ, कई लोगों ने कहा कि बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, शायद फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आप ले लीजिए जो मिल रहा है, क्योंकि हर एक को नहीं मिलता है। बेटों से पूछा, दोनों नहीं करना चाहते थे, और जब से हनीफ चला गया बड़ा भाई का बिल्कुल सोच और भी बदल गया। उसने एकदम कहा मेरा भाई जब अपना जान दे के इतना कुछ नाम कमाया है तो मैं उस नाम के उसकी कमाई को लेके मैं जिंदगी बिताऊं अपनी, ये तो नहीं हो सकता, मैं क्या करूं, मैं भी तो कुछ करूंगा। हमने उसी वक्त एक ट्रस्ट शुरू किया कैप्टन हनीफ VRC फाउंडेशन करके, तो हमने एक एजुकेशनल प्रोजेक्ट शुरू किया समर्थ करके, ये
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। स्कूल अभी 10th तक बच्चे पहुंच गए। लास्ट ईयर हमारे बच्चे 10th के एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। हमें लग रहा था कि हम शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें सेटिस्फैक्शन है, लेकिन अब ये देखना है कि आगे कितना चलेगा ये नहीं कह सकते। ऐसा लगता है कि लोग हनीफ की शहादत को भूल रहे हैं, बलिदान को भूल रहे हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब बुरा लगा? बहुत बुरा ऐसे कई बार लगा कि हम शहीद सम्मान समारोह में जाते थे क्योंकि हमें लगता था जब जनता हमारे लिए बैठे हैं, बुला मिलना चाहते हैं, तो हम उनसे दूर नहीं हो सकते। कई बार हमें ये महसूस हुआ कि कुछ पॉलिटिकल बातें हो रही है। शहीद सम्मान तो एक तरफ है, हम बैठे हैं, लेकिन वहाँ बात दूसरी हो रही है। तो हमने उस वक्त से कोशिश किया कि हम पब्लिक फंक्शंस में नहीं जाएंगे। हमने देखा कहीं सड़क किसी के नाम किया है, कहीं स्कूल नाम किया है, लेकिन कभी दिखता है कि वो बोर्ड कहीं कोने में पड़ा हुआ है, नोबडी केयर्स। तो आप क्यों करते हो इस तरह से? नहीं ज़रूरत है कि जिनको अगर आप सम्मान देते हैं तो उसको पूरे तरीके से संभालिए भी। वाकई। और आज शहीदों के माता पिता की इन बातों को सुनकर अब जिंदगी लाइव में हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। कुछ कहने को दरअसल अब बचा भी नहीं है। हमने आपको मिलवाया उन परिवारों से जिनके लाडले ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी। लेकिन देश कौन है? आप और हम। और हमने ही बड़ी आसानी से भुला दिया उन सब बहादुरों को। अभी 10 साल पूरे हो रहे हैं, फिर 20 होंगे, फिर 50। क्या ये देश वक्त के साथ विजयंत, विक्रम, अनुज, हनीफुद्दीन और उन जैसे हजारों बहादुरों को यूं ही भूलता चला जाएगा? क्या हमारी यादों पर यूं ही धूल की परतें चढ़ती जाएंगी? या फिर हम जागेंगे, अपने सैनिकों की कुर्बानियों को याद करेंगे, अपने बच्चों को देश से प्रेम करना सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियों को इनकी कहानियों से प्रेरणा देंगे, ऐसे हजारों और बहादुर तैयार करेंगे जैसे ये लोग थे? हमें जागना होगा अपने देश के लिए, इसकी आजादी पर कुर्बान हुए हर शहीद के लिए, और यही होगी इस देश की उनको सच्ची श्रद्धांजलि। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी। सैल्यूट करना चाहूंगा उनके फादर्स को, उनकी फैमिली को और सभी फैमिली को जिन्होंने अपने बेटे को गवाया है इस लड़ाई के अंदर। पे धर कर माता सो गए अमर बलिदानी जो शहीद। आज के बाद भारत माता की जय बोलने से पहले मैं इन लोगों की जय बोलूं।